नहीं लास्ट जो चैप्टर हमारा जो अभी चल रहा है लास्ट लेक्चर में हमारा जो चैप्टर था वो चैप्टर नंबर टू उसका जो नाम था वो हमारे क्या था एयर क्या था हमारा जो चैप्टर वो एयर हमारा जो टॉपिक और जो आपके चैप्टर रहे हैं वो है एयर। ठीक है, आज हमने लास्ट में हमने पढ़ा था कि एयर किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उसकी डेफिनेशन भी हमने देखी थी, उसको डिक्लेयर करना भी मैंने सीखा था। ठीक है, ये चीज़ें हमारे चल रही थी और आपको याद होगा मैं फिर से रिवाइज भी कर देता हूँ एक बार के लिए कि एरे किसे कहते हैं। मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई थी कि समान प्रकार के डेटा टाइप के समूह को एरे कहा जाता है, समान प्रकार के डेटा टाइप के समूह को एरे कहा जाता है। मतलब मैंने बताया था आपको कि समान कैसे होते हैं, डेटा टाइप कैसे होते हैं। ठीक है, तो भैया मैंने सब कुछ आपको उस दिन लास्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था इस बारे में, और उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि उसको दो भागों में डिवाइड करते हैं, मल्टी टू डी एरे में। ठीक है, कुछ जो है टू डी बोलते हैं कुछ उसको ही मल्टी डायमेंशन बोल देते हैं, जैसे वन डी एरे, टू डी एरे, और अगर दो से अधिक है तो थ्री डी एरे, या उसे मल्टी डायमेंशन एरे कहा जाता है। लेकिन आपके जो चैप्टर में लग रहे हैं वो वन डी और टू डी दो प्रकार के एरे होते हैं। ठीक है, तो वन डी एरे के बारे में हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कि वन डी एरे किसे कहते हैं, कि वह एरे जिसके अंदर एक सबस्क्रिप्ट का यूज किया जाता है, मतलब एक ब्रैकेट का यूज किया जाता है, एक सबस्क्रिप्ट का यूज किया जाता है। तो सबस्क्रिप्ट यानी जो आपके जो ये ब्रैकेट लगता है इसे क्या बोलते हैं, सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब जिसमें एक यूज किया जाता है उसे क्या कहते हैं, वन डी एरे कहा जाता है। जैसे हमने देखा था ये आज हम वन डी एरे के बारे में पहले बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर वन डी एरे क्या है, उसके बाद टू डी एरे में भी बात करेंगे। ठीक है, वन डी एरे वह एरे जिसमें एक सबस्क्रिप्ट का यूज किया जाता है उसे वन डी एरे कहते हैं। अब देखिए इसे डिक्लेयर किसे कहते हैं, डिक्लेयर ना डिक्लेरेशन ऑफ एरे। ठीक है, तो जो पॉइंट हमारा जो चल रहा है इसके अंदर डिक्लेरेशन ऑफ वन डी। ठीक है, वन डी का डी का मतलब क्या होता है, डायमेंशन, वन डी एरे ये मैंने बताया। अब देखिए वन डी एरे को डिक्लेयर करना मतलब डिक्लेयरेशन ऑफ वन डी एरे, मतलब हिंदी में अगर हम बोले तो एरे की घोषणा, हिंदी में क्या बोलते हैं, एरे घोषणा, हिंदी में हम क्या बोलते हैं, एरे की घोषणा करना हिंदी में, और इंग्लिश बोलते हैं डिक्लेरेशन ऑफ वन डी, मतलब डिक्लेयर को क्वेश्चन करना बोलते हैं। तो हम कैसे करते हैं कि जब हम वैल्यू, मैंने आपको ये दिखाया था, देखिए कि अगर इसके हम डेफिनेशन बनाए तो क्या बनेंगे कि एरे को घोषित करना डिक्लेरेशन ऑफ एरे का है, मतलब एरे को आप घोषित कर रहे हो, मतलब घोषणा करना, एरे की घोषणा करना क्या कहलाता है, डिक्लेरेशन ऑफ एरे। अगर आगे क्वेश्चन आपके डिक्लेरेशन ऑफ एरे किसे करते हैं, मतलब एरे की घोषणा किसे करते हैं या क्या होती है, तो आप बता सकते हो कि एरे को डिक्लेयर करना या एरे की घोषणा करना, एरे को डिक्लेयर करना एरे की घोषणा कहलाती है, डिक्लेरेशन ऑफ एरे कहलाती है। तो ये होती कैसे, देखिए एक तो आप ये होती है कि आप इस प्रकार से कर सकते हैं, देखिए वन डे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए इसे कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स आप देख लीजिए। इंटीजर ए हमने ये किया, ये तो क्या हो गया डिक्लेरेशन ऑफ एरे, मतलब एरे के अंदर हमने वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया, मतलब एरे के अंदर वैल्यू को इनिशियलाइज करना डिक्लेरेशन ऑफ एरे कहलाता है। डेफिनेशन लिख लीजिए, मैं दिखा दूंगा पहले आपको, एक काम कीजिए आप पहले कि एरे में वैल्यू इनिशियलाइजेशन करना, इनिशियलाइज का मतलब क्या था, वैल्यू मतलब डिसाइड करना, वैल्यू को डिक्लेयर करना है पर। ठीक है, एरे में वैल्यू को इनिशियलाइज करना डिक्लेरेशन ऑफ एरे होता है, डिक्लेरेशन
होता है इसके रेफ्रेशन। और इसमें देखें यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसे अगर मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दूँ, यहाँ पर एग्जाम्पल क्या होगा, इंटीजर ए 5, ये क्या आपने एरे को डिक्लेयर किया, एरे में वैल्यू को स्टॉक करवाई थी, मतलब वैल्यू तो स्टोर नहीं हुई यहाँ पर। यहाँ पर देखो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि एरे को डिक्लेयर करना, वैल्यू को इनिशियलाइज करना डिक्लेयर हो गया, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर इन टाइप जो आप करते देखिए, आप नॉर्मल वेरिएबल कैसे बनाते हो, नॉर्मल जो वेरिएबल बनाते हो तो आप क्या करते हो कि इंटीजर ए अगर एक चाहिए तो, दो चाहिए तो, दो लास्ट में एक, ऐसा करते हो नॉर्मल। लेकिन एरे में इस प्रकार से करते हैं, और मैंने आपको पहले बता रखा है एरे के बारे में कि एरे का हम यूज करते हैं क्योंकि हमारे पास अगर मान लीजिए 100 मार्क्स से इनपुट करवाने तो हमें 100 वेरिएबल लेने पड़ते हैं, 1000 मार्क्स अगर मत मान लीजिए 1000 बच्चे हैं किसी स्कूल में, किसी इंस्टीट्यूट में या किसी कंपनी में 1000 वर्कर्स आपके जो एम्प्लॉइज जो वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारे 1000 बच्चों की सैलरी को इंप्लीमेंट करना, इंक्लूड करना, इनपुट के तौर पर दिखाना या आउटपुट के तौर पर दिखाना, उसके लिए मैं आया हमें 1000 नाम यूज करना, 1000 वेरिएबल की आवश्यकता पड़ती है। अब 1000 वेरिएबल अगर आप सोचने बैठो तो मतलब इसमें कितना टाइम लग जाता है, कितनी मेमोरी लगती है, समय और मेमोरी दोनों वेस्टेज है आपके यहाँ पर, तो इस चीज़ से बचने के लिए मेरे का यूज करते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपने किया है आपने इंटीजर ए 5, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पर यह हुआ कि आपके एक मेमोरी के अंदर एक साइज बनेगा एरे का, क्या बनेगा एरे के अंदर एक साइज बनेगा जिसका साइज होगा 5, जिसका इंडेक्स जो है वो होता है 0 से स्टार्ट होता है, इंडेक्स जो होता है एरे का 0 से स्टार्ट होता है। अब देखिए यहाँ पर ये जो 5 लिखा ना, इसकी मतलब कोई वैल्यू नहीं है, ये जो है ना ये वैल्यू नहीं है, ये क्या आपकी ये तो क्या हुआ वेरिएबल नेम हो गया, वेरिएबल नेम हो गया, ये क्या हुआ आपके, ये क्या हुआ आपके, ये कहते हैं एरे का साइज, साइज ऑफ एरे, एरे का साइज कहते हैं साइज ऑफ एरे, साइज ऑफ एरे, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर एरे ए के अंदर 5 वैल्यू इनपुट हो गई है, 5 वैल्यू को हमने स्टोर करवा दिया, नहीं इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब साइज ऑफ एरे, मतलब जो हमने हमने जो एरे बनाना है हमें जो कितनी वैल्यू इनपुट करना है, जैसे मान लीजिए मुझे 5 स्टूडेंट के मार्क्स को इनपुट करना है, या एक स्टूडेंट का है ए नाम का जिसकी मुझे 5 सब्जेक्ट के मार्क्स को इनपुट कर दो, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा 5 ब्लॉक लेने पड़ेंगे मुझे यहाँ पर, ठीक है, तो वो मान लीजिए, ठीक है, तो क्या हुआ 5 ब्लॉक लेने पड़ेंगे, तो वो साइज है कि हमें कितनी वैल्यू स्टोर करनी, पहले से हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि यहाँ पर कितने साइज है, ठीक है। जैसे ए, तो अब यहाँ पर देखिए 5 जो है ना ये तो क्या साइज ऑफ एरे, ठीक है, जो मेमोरी ब्लॉक बनेंगे जिसमें आप वैल्यू को इनपुट करोगे ब्लॉक बन के तैयार हो जाएंगे आप, जिससे इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5, और जिसका जो स्टार्टिंग जो इंडेक्स है ना वो 1 से स्टार्ट में, देखें यहाँ पर मैंने 5 देने के लिए यहाँ पर 4 है, क्योंकि एरे का जो साइज जो स्टार्ट होता है, इंडेक्स नंबर जो स्टार्ट होता है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है 0 से आप यहाँ पर स्टार्ट होता है, और जो फिर आप कहोगे कि सर ये एक है, ए को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि ए जो है ना इस पूरे ग्रुप का नाम है, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं मेरा नाम जमील है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जमील नाम कोई बंदा है, ठीक है, और उसके सब्जेक्ट में मार्क्स एड करें, जैसे मान लीजिए मैथ है उसमें जैसे मान लीजिए 60 है, या और भी सब्जेक्ट है यहाँ पर 70 है, ठीक है, 80 है, 90 है, 95 है, 5, अब 5 का आपको स्टोर करवाना था, आप क्या करोगे पहले 5 वेरिएबल बोलोगे, मैं 10 और 10 वेरिएबल बोलोगे, इस चीज़ से बच करके क्या करोगे आप ए 5, तो यहाँ पर जो आपकी जो वैल्यू स्टोर हो जाए कैसे होती है वो भी बताऊँ मैं आपको और गेम में, ठीक है, पहले आप इतना समझे इसको, और ए जो है इसका नाम, और देखिए इसके कुछ रूल्स भी होते हैं, ये कैसे कार्य करता है, कैसे इसके रूल्स होते हैं, इस चीज़ को देख के आप थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि आप यहाँ पर देखिए इसके क्या होते हैं, आप इसमें डिक्लेयर करते हो तब आप ऐसा नहीं छोड़ सकते इसको, ये क्या देगा एरर मैसेज प्रिंट करेगा, क्या मैसेज प्रिंट करेगा एरर, एरर सॉरी क्या मैसेज प्रिंट करेगा एरर नाम के आपको मैसेज गलती, अच्छा समझना गलत है ये, इसलिए मैंने क्रॉस का सिंबल रख दिया, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पर क्या कर सकते हो ए 5 डाल सकते हो,
कोई दिक्कत नहीं, सही है। उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इंटीजर ए, ये तो क्या हो गया रन टाइम पे था, ये तो गलत है, ये रन टाइम पर। अगर मैं कंपाइल टाइम पे चाहूँ तो मान लीजिए यहाँ पर 5 PM है और यहाँ पर मैंने 1, 2, 3, 4 और 5, तो ये क्या, ये भी सही है। आप इस प्रकार से भी डिक्लेयर कर सकते एरे को और इस प्रकार से भी आप एरे को डिक्लेयर कर सकते हो। तीसरा देखिए यहाँ पर, तीसरे मैंने कहते हैं इंटीजर यहाँ पर ए, और यहाँ पर मान लीजिए मैंने ये खाली छोड़ दिया फिर, ठीक है, और मैंने यहाँ पर दे दिया 1, 2 और 3, तो क्या ये सही है, क्या क्या ये सही है, ये भी आपके सही है, कोई दिक्कत नहीं। आप दो भी अच्छी बात मान दो भी अच्छी बात, लेकिन देना बेहतर है, देना अच्छी बात है, ठीक है। पर अगर आप किसी प्रकार की यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई वैल्यू देते हो तो एरर बता देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर आप इंटीजर ए आपने यहाँ पर किया 5, ठीक है, और आपने जो वैल्यू है वहां यहाँ पर मान लीजिए 2 दी, तो क्या ये सही है, क्या देखिए सही है, क्योंकि सही है क्योंकि मेरे पास 2 5 है, मुझे एड 2 ही करना है, तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी जो जिस मान लीजिए मैंने यहाँ पर दिया 5 1 और 2, यहाँ पर दे दिया 1 और यहाँ पर दिया 2 सपोज, ठीक है, तीन इंडेक्स खाली है, तीनों में क्या आ जाएगा ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपके 0 आ सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी आपके क्या है, सही है। हाँ आप ये जो ज्यादा गलत हो जाता है, जैसे मान लीजिए आपने क्या इंटीजर ए और यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपने दिया 3, ठीक है, और यहाँ पर आपने वैल्यू डाल दी 1, 2, 3, 4, 5, तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास इंडेक्स है ही नहीं, हमारे इंडेक्स हमारे 5 है, मेरे 6 दे रहा हूँ, कैसे पॉसिबल। जैसे मान लीजिए कि किसी क्लासरूम के अंदर आपके 50 सीट की व्यवस्था है, ठीक है, उसकी जो लेंथ, उसकी जो साइज, उसकी जो कैपेसिटी है वो 50 बच्चों की बैठने की है, उसमें अगर 5 में और एड कर दो, 5 के एक भी और एड कर दो, तो कहीं नहीं बीच में एडजस्ट होना पॉसिबल नहीं, इसमें स्टूल ज़्यादा दिखेगी नहीं, क्योंकि इसकी जो क्षमता जो है, इसकी कैपेसिटी जो है वो क्या 50 के आप एक काम वाम डाल दें तो पॉसिबल नहीं, ठीक है, तो क्या बांटने वाला प्रैक्टिस भी क्या एरर बताए गए। तो आप इस प्रकार के इन रूल्स को माइंड में रखिए, क्या होता है जो प्रैक्टिकल होता है ना, तब मतलब जो प्रैक्टिकल एग्जामिनर जो आता है आपके, जो एग्जामिनर जो आता है, क्या होता है इस प्रकार के क्वेश्चन भी कर देता है, ठीक है, तो ये भी प्रैक्टिकल संबंधित क्वेश्चन बनते हैं ऐसे, तो आपके माइंड में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम किस प्रकार से इसको डिक्लेयर कर सकते हैं, किस प्रकार से डिक्लेयर नहीं कर सकते इस प्रकार, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका तरीका इसका, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर आप, अब देखिए यहाँ पर कि एरे को दो भाग में बांटा गया है, 1D 2D, 1D को दो भाग में बांटा गया, इसको 1D को कितने भाग में बांटा गया, दो भाग में बांटा गया, टाइप्स ऑफ 1D, ठीक है, पहला कंपाइल टाइम और दूसरा रन टाइम। देखिए हमने एरे को दो भागों में डिवाइड किया था, 1D और 2D, और फिर 1D एरे को दो भागों में डिवाइड किया आपके कंपाइल टाइम और रन टाइम, इसको देखिए क्या होता है। देखिए कि जब हम कंपाइल टाइम मतलब क्या था, कंपाइल करते समय, देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग पहले डे से बोल रहा हूँ आपको एक चीज कि कंप्यूटर के अंदर जैसा ना हमेशा काम होता है ज्यादातर 95-98% तक, ठीक है, यहाँ तक 99 तक भी हो जाता है, बट 1-2% तक कंप्यूटर नहीं होता, ठीक है। तो ये कंपाइल टाइम, कंपाइल का मतलब क्या होता है, प्रोसेसिंग, कंपाइल करना मतलब है कि जब हम किसी भी प्रोग्राम में, जब हम किसी भी प्रोग्राम को कंपाइल करते समय वैल्यू को इनिशियलाइज किया जाता है, जब किसी एरे को कंपाइल करते समय वैल्यू को इनिशियलाइज किया जाता है, तब उसे क्या कहते हैं, कंपाइल का एरे कहा जाता है। कंपाइल का मतलब क्या था, रन प्रोग्राम को बनाते समय, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिख लीजिए कि
प्ले करते समय। ये देखो डिक्लेयर करते समय, ये देखो डिक्लेयर, प्रोग्राम को रन करते समय वैल्यू को इनिशियलाइज करना है, नहीं वैल्यू को
स्टोर करना क्या होता है, रन टाइम स्पेस में हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एरे को कंपाइल टाइम, इसमें भी सेम है और इसमें भी कौन सा दूसरा
वो छह बजे भी रहता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कि क्या होता है, क्या मैंने आपको डायग्राम से समझाया कि ताकि आपका कंफ्यूज ना हो, आपको ये जो जितना भी कल और हमने आज पढ़ा ना, वो आपका कंफ्यूजन जो दूर हो जाए एक साथ, ठीक है, ज्यादा कोई दिक्कत ना आपकी, ठीक, क्योंकि कितना ही पढ़ा दो बच्चे थोड़ा बहुत रह जाता है, ठीक है, पता नहीं क्या रीजन। तो वापस देखिए एरे किसे कहते हैं, समान डेटा टाइप के स्ट्रिंग को क्या कहा जाता है, एरे कहा जाता है, और मैंने बता भी दिया आपको कि एरे को किसे किस लिए यूज करते हैं। उसके बाद में इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया है, कौन सा, पहला होता है वन डी एरे, मतलब वन डायमेंशन, दूसरा होता है टू डायमेंशन एंड टू डी एरे, शॉर्ट में टू डी बोलते हैं, वन डी बोलते हैं, ठीक है। अब वन डी को भी यहां पर दो भागों में करेगा, वन डी एरे होता क्या, देखिए वह एरे जिसमें एक सबस्क्रिप्ट का लिखा जाता है, यहां पर आप लिख सकते हो एक सबस्क्रिप्ट, शॉर्ट में लिख के बताता हूं आपको समझाने को, एक सबस्क्रिप्ट, ठीक है, सबस्क्रिप्ट किसे कहते हैं, इसे कहते हैं, ठीक है, और वह एरे जिसमें एक सबस्क्रिप्ट का यूज किया जाता है उसे क्या कहते हैं, वन डी एरे, और दो सबस्क्रिप्ट, और वह एरे जिसमें दो सबस्क्रिप्ट का यूज किया जाता है उसे टू डी एरे, सिंपल सी बात है। बड़ी मैंने आपको ना बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बताने की समझाने की कोशिश की है जो किताब से हटकर, ठीक है। अब देखिए वन डी एरे किसे कहते हैं, बता दिया, वन डी के दो भागों में डिवाइड कर रखा हमने, पहला कंपाइल टाइम दूसरा रन टाइम होता है। कंपाइल टाइम किसे कहते हैं, मैंने अभी तक कह रहा हूं आपको कि जब हम प्रोग्राम को हम डिक्लेयर करते समय, यानी इट मींस कंपाइल करते समय जब हम वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं तब उसे क्या कहते हैं, कंपाइल टाइम, समझ रहे हैं, कंपाइल टाइम, वैल्यू का इनिशियलाइज़, ठीक है, कंपाइल टाइम, वैल्यू का इनिशियलाइज़। और यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि जब हम वैल्यू को रन करवाते समय वैल्यू का, जब हम प्रोग्राम को रन करवाते समय वैल्यू का इनिशियलाइज करते हैं, एक स्टोर करते हैं, ठीक है, उसमें वैल्यू डालते हैं, उसी का रन टाइम हम यहां पर लिख सकते हैं, क्या रन टाइम पर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, रन टाइम पर आपको मैंने अच्छे से डेफिनेट लिखवा दिए, और आप लोग आप नोट्स में नोट कर लेना ताकि अच्छे से याद हो। रन टाइम पर वैल्यू का इनिशियलाइजेशन क्या लगता है, रन टाइम आपको क्या लगता है, वही सेम बात इसमें, सेम बात इसमें चलती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और ये सेम बात इसमें, कोई दिक्कत नहीं, सेम डेफिनेशन है बस। अब आप बोलिए सर ऐसे कैसे थे, इसमें भी सेम, इसमें से फायदा क्या, उसमें फायदा बेटा ये है कि यहाँ पर एक सबस्क्रिप्ट के द्वारा यूज किया जाता है और कंपाइल को, इसका प्रोग्राम अलग बनता है, और टू डी एरे में दो सबस्क्रिप्ट यूज किया जाता है जिसमें कंपाइल और रन टाइम का यूज किया जाता है जिसमें आपके अलग प्रोग्राम बनता है, ठीक है। तो आज हमने देखा कि एरे क्या होता है, किस प्रकार से इसको यूज किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है, और उसके रूल्स में हमें पढ़े कि किस प्रकार से इसको डिक्लेयर किया जाता है और कैसे डिक्लेयर किया जाता है, कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं इसको, एरे को, वन डी एरे को भी, एरे को कितने में कर सकते हैं, वन डी एरे को कितने में कर सकते हैं, टू डी एरे को किसमें कितना कर सकते हैं डिवाइड, ठीक है। तो हमने जो आज जो पढ़ा ना, वो हमने पढ़ा एरे का बेसिक स्ट्रक्चर, क्या पढ़ा हमने, एरे का बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब बेसिक मतलब यहाँ पर यह है कि मतलब जो हमने जो मेन जो चीजें थी ना, हमने जो पढ़नी थी वो एरे के अंदर, वो हमने सब पढ़ ली। अब जो हमारा क्या कार्य है, कल जो हमारा जो लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें क्या करेंगे कि हम ये करेंगे कि एरे के प्रोग्राम सीखेंगे, वन डी एरे का प्रोग्राम, फिर उसको कंपाइल टाइम रन टाइम दोनों तरीके से करेंगे, फिर टू डी एरे का प्रोग्राम उसको भी कंपाइल टाइम रन टाइम दोनों के हिसाब से करेंगे। तो गाइस आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू सो मच।